हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं मैगी, जो बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही चटपटी बनती है। मैगी बनाने के लिए मैंने दो मैगी लिया है, ये टेस्ट मेकर, और इसके लिए मैंने कुछ वेजेस भी काटे हुए हैं। वेजेस में मैंने लिया हुआ है अनियन, कैरेट, आपका टोमेटो, ग्रीन चिली और कैप्सिकम। चलिए हम मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया हुआ है। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं और पैन में पूरी तरफ से घुमा लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं ग्रीन चिली, कटे हुए प्याज, हम इसमें अपना जो हमने वेजेस काटी हुई थी गाजर और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, हम वो भी ऐड कर देते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक तो जरूरी है। हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से चला लेते हैं। इसमें हमने जो टमाटर काट के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देते हैं। वैसे एड में तो दिया रहता है मैगी 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन मैगी कभी भी 2 मिनट में नहीं बनती, कम से कम 5 मिनट तो हमें लग ही जाते हैं। सब्जी को हम थोड़ा सा ढककर पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। सब्जी हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और हमने जो मैगी रखी थी उसको हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं। इसके ऊपर से जो टेस्ट मेकर था हम वो भी ऐड कर देते हैं। मैगी को हम ढक देते हैं ताकि वो जल्दी से पक जाए। हम एक बार मैगी को और चला देते हैं। अब ये इक्वली बहुत अच्छे से पक जाएगी। मैगी हमारी रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसको पूरा ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसको हल्का सा सूपी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चीज ऐड किया हुआ है, चीज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए हमारी मैगी रेडी हो गई है। अब चलिए इसे हम जल्दी से प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने अपनी मैगी को ट्रांसफर कर लिया है, थोड़ा सा और मैं चीज से ऊपर से गार्निश कर लेती हूँ। मुझे चीज बहुत पसंद है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए।
देखिए हमारी 2 मिनट में बनके मैगी रेडी हो गई। ये सब मजाक में था, मैगी बनने में 5 से 7 मिनट तो लग ही जाते हैं। मैगी बनाइए और गर्मा गर्म इसको खाइए और एंजॉय कीजिए।